Everybody, this is Rahul and welcome to Kalagain YouTube channel. Today we will do class 10th NCERT math exercise 4.2 question number 1 first second third part. So हमें क्या है, हमें एक क्वेश्चन दे रखी है इसकी और हमें इसके रूट फाइंड आउट करने हैं. तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं. कैसे करना है, आपको कोई ऐसा नंबर देखना है जिसको प्रोडक्ट हमारा 10 हो और प्लस या माइनस को सम करने पे हमारे पास 3 आए. सो अगर मैं 5 और 2 लूँ, इनका प्रोडक्ट करूँ तो 10 आ जाएगा. हमें प्रोडक्ट कितना चाहिए था, 10 चाहिए था. और अगर मैं 5 माइनस 2 कर दूँ तो मेरे को कितना बचेगा, माइनस करके 3 बचेगा, तो वो 3 आ गया. यानी कि ये दो मेरे पास ऐसे डिजिट हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 10 आता है और माइनस करने पे 3 आता है. तो मैं ये दो डिजिट यूज़ करूँगा. तो क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 5 टू जा माइनस का 10 और माइनस 5 प्लस 2 माइनस 3x. ठीक है, तो x के यहाँ से x कॉमन ले लिया, x माइनस 5 प्लस 2 एक्स माइनस 5, तो एक x क्या आ गया हमारे पास, सॉरी ये हो गया हमारे पास x प्लस 2 और ये हो गया x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है. तो एक x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2, और एक एक्स की क्या वैल्यू आ गई, 5. ठीक है, तो अब हम अपना इसका सेकंड पार्ट करते हैं. सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0. ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, इस 6 को और इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आता है, 12 आता है. मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिनको प्रोडक्ट 12 हो और प्लस माइनस करने पे 1 हो. तो ऐसा 4 और 3 नंबर है, 4 इंटू 3 कितना होता है, 12, और 4 माइनस 3 क्या होता है, 1 होता है. तो मैं ये दो नंबर यूज़ कर सकता हूँ. सो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 4 टू इज़ 12, माइनस 12 आ गया और प्लस माइनस करने पे 1 का x आ गया. इसमें से मैं 2x कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या बचा, x प्लस 2, माइनस 3 कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या बचा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. सो 2x माइनस 3 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. सो 2x की वैल्यू क्या आ गई, एक 3/2, और एक x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2. ठीक है, तो अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं. थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, अंडर रूट 2 एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0. हम क्या करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे. तो 5 रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, तो 5 टू 10. हमें ऐसा नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट करने पे क्या आए हमारे पास, 10 आए और प्लस माइनस करने पे 7 आए. तो 5 और 2 मैं ऐसे नंबर ले सकता हूँ, 5 इंटू 2 10 और 5 प्लस 2 7. तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0. इसमें से मैं अब क्या करता हूँ, x कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या बचा मेरे पास, अंडर रूट 2x प्लस 5. अब इसमें मैं अंडर रूट 2 को कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास, अंडर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यही नंबर बनेगा. अब अंडर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0. सो एक x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, माइनस 5/√2, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस अंडर रूट 2. सो दिस इज फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पार्ट. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग.